आज आपको 5 ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आप फैट लॉस जर्नी के दौरान ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हुआ पपाया, जिसको हम पपीता बोलते हैं। इसको आप अच्छी मात्रा में ऐड कर सकते हैं। इसमें कम कैलोरीज होती हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दूसरा हुआ वाटरमेलन, जिसको हम तरबूज बोलते हैं। यह भी आप एक अच्छी क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम के बढ़ने से आपका भूख कम रहेगा, जो कि आपके फैट लॉस में हेल्प कर सकता है। और तीसरे नंबर पर मैं रखूँगा आम यानी कि मैंगोज को, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं और साथ में इनमें कैलोरीज भी कम होती हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसमें स्वीटनेस ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये हम कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी क्वांटिटी में आम को भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ऑरेंजेस, जिसमें भी बहुत कम कैलोरीज होती हैं और अच्छी क्वांटिटी में हम ले सकते हैं। और लास्ट में हो गया ग्रेप्स यानी कि अंगूर। अंगूर भी आप अच्छी क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन फैट लॉस फेज में हमें ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, तो कम कैलोरीज में जितना ज़्यादा क्वांटिटी हमें खाने को मिलेगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा।